फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको एक लैपटॉप के बारे में बता रहे हैं। ये हमारे पास एक HP प्रोबुक 440G5 की मशीन है। इसके कीबोर्ड में क्या प्रॉब्लम हो रही है, की मिसिंग है, प्लस इसकी की नहीं चलती है, तो आज हम आपको बता रहे हैं इसमें कीबोर्ड कैसे चेंज होता है। HP प्रोबुक 440G5 हम आपको बताते हैं इसमें कीबोर्ड कैसे चेंज होता है। यहाँ पे इसका फ्लैप कवर होता है, इसको खोलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कवर खोलते हैं। कवर खोलने के बाद यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं, इसमें ये दो स्क्रू खोलते हैं। दो स्क्रू खोलने के बाद ये हमारा यहाँ पे कीबोर्ड बाहर निकल जाता है। ये आपका इस पुराना कीबोर्ड है जो खराब हो रखा है। बहुत ईजी होता है, इसमें दो स्क्रू पे ये कीबोर्ड होता है। आजकल कुछ पर कुछ ये आपका नया कीबोर्ड हम इसमें फिट कर रहे हैं। कुछ मॉडल्स में होती है मशीनें इंटरनल कीबोर्ड होते हैं जो पूरी मशीन खोल के लगाना पड़ता है। उसमें भी सूरज कंप्यूटर सारा ये रिपेयरिंग का काम, आपको जैसा कि पता ही है पूरे पुराने वीडियोस में आप देखते हो कि सूरज कंप्यूटर सारा काम खुद ही करते हैं। ये एक्सटर्नल कीबोर्ड है तो ये बहुत ईजी है, ईजी लग जाएगा, कोई वो नहीं होगी। जो इंटरनल कीबोर्ड होते हैं उनमें पूरा लैपटॉप खोल के और उसको केसिंग को हटा के तब ये कीबोर्ड चेंज होता है उसमें। तो ये तो एक नॉर्मल है जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कैसे लगता है। सूरज कंप्यूटर जो इंटरनल कीबोर्ड होते हैं उन्हें भी आप देखोगे कुछ वीडियोस में हमने आपको दिखाया हुआ है। इंटरनल कीबोर्ड जैसे चेंज होते हैं एप्पल वगैरह की तरह से, उसकी टाइप के भी कीबोर्ड होते हैं। ये लॉक होता है, इसको लॉक कर देते हैं। जो स्क्रू खोले थे वो स्क्रू हम वहाँ पे फिट कर देते हैं। टाइट हो गया है, ये हम कीबोर्ड चेक कर लेते हैं इसका। तो इस प्रकार आप देखोगे सूरज कंप्यूटर से आपका लैपटॉप रिपेयरिंग का कोई भी काम हो, कोई भी एक्सेसरीज हो, लैपटॉप के कीबोर्ड चेंज, स्क्रीन चेंज, टच पैड चेंज, कोई भी हिंच चेंज, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको लैपटॉप के रिगार्डिंग, आप एक बार सूरज कंप्यूटर्स को अवश्य कॉल करें। हमारे दिए गए नीचे नंबर पर आप फोन करें तो आपको ऑन साइट सर्विस सूरज कंप्यूटर्स प्रोवाइड कराते हैं। और आपका हमारे वीडियोज को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।